सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 26 जुलाई के। जी हाँ बहनों भाइयों, तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है NGC यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिसमें है दिन विशेष, ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और आज का सवाल और आज का विचार। तो कीजिए स्वीकार सी नारायण का सस्नेह नमस्कार। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें ये रहा सुविचार। आज के भी दो सुविचार हैं, छोटे छोटे सुविचार, इसलिए दो सुविचार। पहला सुविचार, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। फिर एक बार आज का सुविचार, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। दूसरा सुविचार, अकेले हम हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। यह बहन भाइयों, फिर एक बार ये बहुत ही बढ़िया सुविचार, अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। जी हाँ बहन भाइयों, ये आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल, सवाल बहुत ही बढ़िया और मार्मिक है। भगवान श्री राम की बहन का नाम क्या है, क्या था? जी हाँ बहन भाइयों, भगवान श्री राम को भी एक बहन थी जिसका नाम आपको बताना है, और अगर ये नाम आपको ना मिले तो वीडियो अंत तक देखिएगा, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, आज विश्व, आज कारगिल विजय दिन है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो आज के दिन कारगिल में हमने विजय हासिल की थी। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय रहे, शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष को, जिसमें सबसे पहले ये रहे 26 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1509 में सम्राट कृष्णदेवराय इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। 1788 में न्यूयॉर्क अमेरिका का 18वां राज्य बना। 1745 में इंग्लैंड में गिलफोर्ड में महिलाओं का पहला क्रिकेट मैच खेला गया। 1847 में लाइबेरिया देश आज़ाद हुआ। 1891 में फ्रांस का ताहिती बेटों पर कब्जा। 1956 में जागतिक बैंक ने आसवान धरन बांधने के लिए अर्थ सहाय न देने के कारण इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष गमाल नासर, इन्होंने सुएज कालवा का राष्ट्रीयकरण किया। 1965 में मालदीव ये देश यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ। 1994 में महान सनई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, इन्हें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार घोषित हुआ। 1998 में चेस में उत्कृष्ट कार्य करने के हेतु विश्वनाथन आनंद को सर्वोच्च चेस ऑस्कर पुरस्कार घोषित हुआ। 1999 में क्रिकेट में उत्कृष्ट कार्य करने के हेतु कैप्टन पॉली उमरिकर, इन्हें CK नायडू पुरस्कार घोषित हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की। 2005 में मुंबई और आसपास के नगरों में 24 घंटों में, जी हाँ भाई, 24 घंटों में 945 मिलीमीटर बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी और इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी और तकरीबन कई लोग घायल भी हुए थे। 2008 में अहमदाबाद में बॉम्ब स्फोट हुआ जिसमें 56 लोग की मृत्यु हुई और 200 लोग घायल हुए। 1902 में कोल्हापुर संस्थान में
आरक्षण की तरतूद की गई। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई। 2005 में नासा ने डिस्कवरी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। ४९४५ में विंस्टन चर्चिल इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1951 में नेदरलैंड और जर्मनी का युद्ध समाप्त हुआ। 1953 में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिडेल कास्ट्रो इनके नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति शुरू हुई। 1997 में श्रीलंका ने एशिया कप जीता। 1997 में खमेर रूज इनके नेता पोल पॉट इनको आजीवन कारावास दिया गया। 1998 में महान महिला एथलीट जैकी जायनार कर्सी इन्होंने एथलेटिक्स से संन्यास लिया। 2002 में प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 2004 में अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का कोपा कप ये ब्राज़ील ने जीता। 2007 में पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हफ्त सेवन इसका सफल परीक्षण किया। 2008 में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन, नोबेल पारितोषिक विजेता आयरिश लेखक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के यानी LSE इसके सह संस्थापक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856, भारतीय कवि संगीतकार रजनीकांत सेन 1865, मानसशास्त्री मानसोपचार तज्ञ कार्ल युंग 1875, ग्वालियर घराना के शास्त्रीय गायक पंडित कृष्णराव शंकर पंडित 1893, कवि समाजसेवक वासुदेव गोविंद मायदेव 1894, इंग्लिश लेखक अल्डस हक्सले 1894, फ्लाइट सिमुलेटर के शोधक एडविन अल्बर्ट लिंक 1904, क्रिकेट खिलाड़ी G.S. रामचंद 1927, भारतीय और पाकिस्तानी लेखक कवि इब्न ए सफी 1928, ऑस्ट्रेलिया के 25वें प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड 1939, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर मेसियर 1942, थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा 1949, अमरीकी लॉन टेनिस खिलाड़ी विटा बेरुलाइटिस 1954, पाकिस्तान के 11वें राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी 1955, बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी खलीद महमूद 1971, मॉडल अभिनेत्री मुग्धा गोडसे 1986, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलगुरु गुरदास बैनर्जी 1844, कवयित्री विद्यावती कोकिल 1914, अभिनेता जुगल हंसराज 1972, अभिनेत्री दीपिका सिंह 1989, पॉलिटिशियन पंकजा मुंडे 1979, अभिनेत्री मैनावती 1935, लेखक सुरेंद्रनाथ टैगोर 1872, वायलिन वादक
संदीप ठाकुर 1978, म्यूजिशियन गोपाल कृष्णन 1926। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन, बाइजेंटाइन के सम्राट निसेफोरस ईसा पूर्व 811, जापान के सम्राट कोम्यो 1380, टेक्सास फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष सैम ह्यूस्टन 1863, ग्रीस का राजा ओट्टो 1867, अर्जेंटीना के अध्यक्ष जॉन पेरोन, इनकी सुविद्य पत्नी इवा पेरोन 1952, एशियाटिक सोसाइटी के पहले अध्यक्ष राजेंद्र लाल मित्रा 1891, मराठी संगीतकार भास्कर चंदावरकर 2009, पॉलिटिशियन शिवकांत तिवारी 2010, पॉलिटिशियन और वकील बिजॉय कृष्ण हंडिक 2015, और ओडिशा के समाज सुधारक तथा साहित्यिक गोदावरीश मिश्र 1956। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब चलते हैं भाई सवाल की ओर। आज का सवाल है, भगवान श्री राम की बहन का क्या नाम था? तो जी हाँ बहनों भाइयों, भगवान श्री राम की बहन का नाम था शांता देवी। जी हाँ, इनका उल्लेख ज़्यादातर रामायण में कम आता है, लेकिन ये श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनकी ये बड़ी बहन थी। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की ये सुपुत्री थी और श्री राम की बड़ी बहन, हालांकि चारों की ये बड़ी बहन थी। हुआ यूं कि कौशल्या की बहन यानी श्री राम जी की मौसी, जिनका नाम था वर्षिणी और उनके पतिदेव जो अंगद देश के राजा थे, जिनका नाम था रोमपद, इन्होंने शांता देवी को गोद लिया और फिर वो अंगद देश की राजकुमारी बन गई। बाद में इनका विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया गया। तो ऋषि श्रृंगी दशरथ राजा के दामाद बने और श्री रामचंद्र के जीजाजी। तो भाई अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष ये खत्म करते हैं। आज की जानकारी आपको कैसे लगी, आज का दिन विशेष कैसा लगा, ज़रूर आप लाइक करके बताएं और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आज की वीडियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो नमस्कार बहनों भाइयों, सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा, अलविदा।